पिछले कुछ दिनों से विविध कारणों से चर्चा में रही रिजर्व बैंक की आज मुर्शी रोड स्थित सांस्कृतिक भवन में हुई आम सभा में भारी हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस वार्षिक आम सभा में बैंक के सभी संचालक, सभासद, कर्जदार और निवेशक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बैंक के अध्यक्ष समेत संचालक मंडल द्वारा RBI और सरकार विभाग के नियमों का उल्लंघन कर लगातार नियम बाह्य निर्णय लिए, ऐसा प्रादेशिक सहसंचालक महेंद्र चौहान की जांच रिपोर्ट में दर्ज है। बैंक के CEO का अनुभव प्रमाण पत्र संदेहास्पद रहने की बात RBI के प्रकाश में आने के बावजूद वे बैंक का कामकाज संभाल रहे हैं, जिससे बैंक के कामकाज को लेकर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। बैंक की वार्षिक इस आम सभा में सभासदों ने अनेक प्रश्न उपस्थित किए, इस कारण भारी हंगामा शुरू हो गया। यह आम सभा शाम तक जारी थी। शहर के शेगाव नाका निवासी तथा अमरावती ग्रामीण में कार्यरत महिला पुलिस कर्मी प्रियंका बोरकर, वह शनिवार देर रात 2 बजे के दौरान अपने पति के साथ प्लेजर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गाड़गे महाराज समाधि मंदिर के सामने से घर जा रही थी। तब सामने से शराब के नशे में धुत आ रहे मोटरसाइकिल सवार युवक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए महिला पुलिस कर्मी की दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि प्रियंका बोरकर को गंभीर चोटें आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस के दल ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर आरोपी चालक नवसारी निवासी गौरव गोपाल मोहट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अमरावती शहर के पुराना कॉटन मार्केट रोड स्थित गोपाल किराना से सटकर जर्जर कृषि शिवार नामक 3 मंजिला इमारत को मनपा प्रशासन की तरफ से पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में ढहाना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि पिछले 2 दिन से शहर में जारी मूसलाधार बारिश के कारण इस इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया था। नागरिकों की मिली सूचना के बाद शनिवार 23 सितम्बर की रात 8 बजे से मनपा प्रशासन ने इस 3 मंजिला जर्जर इमारत को पुलिस बंदोबस्त में ढहाना शुरू कर दिया। घटनास्थल पर दमकल कर्मियों को भी तैनात रखा गया है। यह इमारत नरेश दांडगे की बताई जाती है। प्राणवायु रहा ऑक्सीजन, यह प्रत्येक मनुष्य को जीने का आवश्यक घटक है। कोरोना काल में इसका सभी को महत्व पता चला है, लेकिन आज भी पैसों के अभाव में अनेक गरीब और जरूरतमंद परिवार के मरीजों को इसका लाभ लेते नहीं आता। इस कारण अल्प दर में उसे उपलब्ध कर दिया तो प्रत्येक का जीवन बचाने का सौभाग्य हमें मिलेगा। इस कारण यह संकल्पना जनहितकारी रहने का प्रतिपादन पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने किया। मोतीनगर परिसर के विट्ठल मंदिर में पूर्व पार्षद चेतन पवार के प्रयासों से परम पूज्य जितेंद्र नाथ महाराज के जन्मदिन निमित्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोकार्पण समारोह इसका आयोजन किया गया था। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। कार्यक्रम में विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, डॉक्टर आकाश एंडे, डॉक्टर जयंत पांड्रीकर, प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी उपस्थित थे। कार्यक्रम में परिसर के नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा शहर के नागरिकों पर संपत्ति कर में बेतहाशा वृद्धि की है। कुछ नागरिकों को 3 गुना, 5 गुना तो कुछ को 6 गुना टैक्स बढ़ाकर भेजा गया है। यह दर वृद्धि गलत है और अन्यायकारक है। इसके पूर्व भी इस दर वृद्धि के विरोध में कांग्रेस की तरफ से आंदोलन कर निषेध किया गया था। 1 वर्ष पूर्व भी इस तरह की संपत्ति कर वृद्धि शहर वासियों पर थोपी गई थी। तब भी कांग्रेस द्वारा आंदोलन किए जाने से जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थगनादेश दिया था, जिसके बावजूद मनपा प्रशासन ने फिर से टैक्स बढ़ाकर भेजा है। कांग्रेस ने इसको लेकर मनपा आयुक्त देवीदास पवार को फिर से ज्ञापन सौंपकर टैक्स कम करने की मांग की, लेकिन कोई कदम न उठाए जाने से शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से सोमवार 25 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मनपा कार्यालय पर तीव्र आंदोलन किया जाने वाला है,
नागरिकों को इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, प्रदेश कांग्रेस महासचिव आसिफ तवक्कल ने किया है। 25/9/2023 को एक अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक जन आंदोलन रखा गया है। ये आंदोलन इसलिए रखा गया है कि अमरावती महानगर पालिका ने जो अमरावती शहर की जनता पे जो घर टैक्स लादा है वो टैक्स हमें मान्य नहीं है। जो टैक्स 715,000 रुपए था वो टैक्स आज 700 से 7,000 पे जा गया है, 5,000 पे गया है, 15,000 पे गया है, जो हमें मान्य नहीं है। 25/9/2023 को 11:30 बजे राजकमल पर पहुंचे, शहर कांग्रेस कमेटी का साथ दे। अमरावती शहर के इरविन चौक स्थित ज्ञानमाता स्कूल के शिक्षक द्वारा 5वीं कक्षा के छात्रा के साथ किए विनय भंग का मामला प्रकाश में आने के बाद शाला के सभी विद्यार्थियों के पालकों में तीव्र रोष व्याप्त है। साथ ही हिंदुत्ववादी संगठनाएं भी आक्रामक हो गई है। इस घटना के विरोध में हिंदुत्ववादी संगठना ने सोमवार 25 सितंबर को शाला के पालियों के सभी पालकों के साथ तीव्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है। संगठन ने शाला में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अनेक सवाल खड़े किए हैं। इस बाबत शाला के मुख्याध्यापक से सवाल पूछे जाने वाले हैं। शहर के सभी सामाजिक, राजनीतिक, युवा नेता और हिंदुत्ववादी संगठन ने सभी पालकों को इस अवसर पर उपस्थित रहने का आह्वान किया है। आगामी 1 अक्टूबर को भारतीय स्थल सेना के महारेजिमेंट का 83वां स्थापना दिवस कार्यक्रम वीएमई के संगीत सूर्य सभागृह में बहादुर पूर्व सैनिक कल्याणकारी बहुउद्देशीय संगठन की तरफ से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 1965 व 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले वीर चक्र व शौर्य पुरस्कार प्राप्त कचरू सालवे का सत्कार किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर उपस्थित रहकर मार्गदर्शन करने वाले हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में महार रेजिमेंट ने जिन सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे सैनिकों की वीर माता पिता तथा वीर नारी का भी सत्कार किया जाने वाला है। साथ ही देश स्वतंत्र होने के बाद अब तक महार रेजिमेंट में शहीद हुए सैनिकों के स्मृति स्तंभ को पुलिस बिगुल के साथ महाराष्ट्र महार रेजिमेंट के तमाम पूर्व सैनिकों के साथ मानवंदना दी जाएगी। ऐसी जानकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष बीएस राय, उपाध्यक्ष दीपक वानखड़े, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर काले ने आज पत्रकार परिषद में दी है। राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की संकल्पना से साइबर पुलिस आपके द्वार उपक्रम शुरू किया गया है। वीएमई परिसर के एनसीसी बटालियन परिसर में अकोला एनसीसी बटालियन के जरिए विविध शाला महाविद्यालय के 400 कैडेट्स छात्र छात्राओं को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक गजानंद तामटे के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक चैतन्य रोकड़े और जवान तोहर अली सैयद यह साइबर घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विविध उपाय योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। अब यह 400 कैडेट्स साइबर घटना बाबत युवक युवती व महिला पुरुषों को आवश्यक सावधानी के पत्रक वितरित कर जन जागृति करने में जुटे हुए है। भारत सरकार की स्वच्छता यह सेवा उपक्रम महात्मा गांधी की जयंती निमित्त 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया जा रहा है। इसके तहत आज पंचायत समिति अंजनगांव सुरजी के शिक्षण विभाग की तरफ से सूचित किए मुताबिक कापुस्तलनी के हैदरिया उर्दू हाई स्कूल की तरफ से स्वच्छता रन का आयोजन किया गया। विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। यह स्वच्छता रन कापुस्तलनी के बस स्थानक से निर्मला विद्यालय तक आयोजित थी, जिसमें निर्मला विद्यालय, जिला परिषद उर्दू शाला नारायणपुर और कापुस्तलनी के जिला परिषद के शिक्षक व विद्यार्थी तथा सरपंच अक्षता खड़से, ग्राम विकास अधिकारी विजय कथलकर, मुख्याध्यापक मोहन सिंह अहमद, तुलेफ अहमद, मोबिन शेख, शफीक पठान, मुजाहिद नदीम, मुश्ताक शाह, उबेद रेहान व ग्राम पंचायत कर्मचारी व ग्रामवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दिनों दिन चोरी की घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल के निर्देश पर ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने रात की गश्त कड़ी कर सेंधमारों की तलाश शुरू कर दी है। ऐसे में चांदूर रेलवे शहर के मिलिंद नगर निवासी आशा फुलसिंह बरिवार 10 सितंबर को घर को ताला लगाकर अपने परिवार के साथ बाहर गाँव गई थी। तब शातिर चोरों ने घर का ताला तोड़कर
फ्रिज समेत हजारों रुपए का माल चुरा लिया। मामले की जांच शुरू रहते अपराध शाखा के दल को मिली जानकारी के आधार पर चांदूर रेलवे के मिलिन नगर निवासी अनिकेत उर्फ चिंटू मोकले व आकाश उर्फ राजा आठवले को कब्जे में लेकर पूछताछ की। तब उन्होंने अपने एक अन्य साथी शेखर राजहंस गवई के साथ चोरी की इस घटना को अंजाम दिया रहने की कबूली दी। पुलिस ने अनिकेत मोकले के घर से चोरी किया फ्रिज जब्त किया है। इन आरोपियों से चोरी की और घटना उजागर होने की संभावना जताई गई है। मामले की जाँच चांदूर रेलवे पुलिस आगे कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।